हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और कुल मिला के कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और एक पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, है ना। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन के बारे में, जो मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरे आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं यहाँ पे आई टैब पे क्लिक करके। बट नाउ अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल थ्योरम, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम, उसके अंदर एक टॉपिक आएगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम, दैन मैं पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रा इंटीग्रेशन। सो ये सब टॉपिक्स मैं लेने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, सो आप वो भी देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोज़ के अंदर। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं ये सीखेंगे। कंसिडर एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फोर सम जेड ऑन ए कंटिन्यूस कर्व सी, दैन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, या एफ जेड जो होता है वो यू प्लस आयोटा भी होता है। देखो जेड का मतलब क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डी जेड इज इक्वल टू होता है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो यहाँ डी जेड की वैल्यू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कंसेप्ट है क्या। सो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरो टू वन प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी जेड, है ना। और आपको ये बोल रहा है कि अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स निकालना और अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार ग्राफ खींच लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन आप जानते हो ये होती है, और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा, ये ऐसा पैराबोला होता है ना, इस साइड में भी होता है इधर भी होता है, मैं एक साइड ही खींच रहा हूँ मैं ना। और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जीरो जीरो टू वन वन। एक बार बता दूं मैं, क्योंकि अब आगे मैं समझाऊंगा ये सब चीज़, तो अभी समझ लीजिए आप। इसकी लोअर लिमिट जो है, जब भी लिमिट होती है वो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होती है ना। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है दो जीरो है, इसका मतलब x भी जीरो है और y भी जीरो है। और यहाँ देखा वन प्लस आयोटा, मतलब इसका x वन है और y क्या है, वन है। मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन जीरो जीरो से वन वन करना है ना। एक बार बोल रहा है अलॉन्ग दिस पाथ करना है, और एक बार बोल रहा है अलॉन्ग दिस पाथ करना है ना। तो हम सबसे पहले एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अलॉन्ग, फर्स्ट बात करेंगे सॉल्यूशन में अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स, राइट। अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो डी वाई इज इक्वल टू कितना होएगा, डी एक्स होएगा, क्लियर। अब पहले इसको अपन लिख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो वन प्लस आयोटा है ना एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, और बेटा डी जेड मैंने बताया था, डी जेड का मतलब क्या होता है, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो मैं लिख देता हूँ डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल है, और लाइन इंटीग्रल के अंदर दो वेरिएबल, एक एक्स है और एक वाई है। पर लाइन इंटीग्रल का एक कंसेप्ट होता है, इसमें हम एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर हम डबल इंटीग्रल वाला कंसेप्ट लेंगे। डबल इंटीग्रल पे भी मैं वीडियोज बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोज के अंदर जहाँ पे कंसेप्ट मैंने बताया, वहाँ से आप देखेगा। अभी अपन बात कर रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल से कैसे करेंगे। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, अपने को एक ही काम चलाना है। तो यहाँ पे आपको वाई इक्वल टू एक्स एक रिलेशन दे रखा है, जिससे आप वाई की जगह क्या रख सकते हो, एक्स, और इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स, नाउ ये आएगा आपके पास डी एक्स, और डी वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आयोटा डी एक्स। अब ये एक्स एक्स है तो आपको एक्स की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो एक्स ध्यान दीजिए कहाँ तक, कहाँ कहाँ पर जा रहा है ये, देखो इसका मतलब होता है जीरो से वन प्लस आयोटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जीरो कोमा जीरो से वन कोमा वन, राइट। तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक्स की लिमिट जा रही है जीरो से वन। ना इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप इसकी वैल्यू आएगी आपके पास जीरो से वन, और यहाँ पे डी एक्स कॉमन आएगा, तो मैं वन प्लस आयोटा बाहर ले ही लेता हूँ। सो ये आएगा आपके पास जीरो टू वन, और यह एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स इंटू यहाँ पे आपके पास डी एक्स आ गया। नाउ इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा वन प्लस आयोटा, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री आयोटा एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से वन। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा वन प्लस आयोटा, लिमिट लगाओगे तो ये आएगा वन प्लस थ्री इंटू आयोटा बाय टू, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी वन प्लस आयोटा इंटू टू प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय सिक्स। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास टू, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो माइनस का थ्री, प्लस यहाँ आएगा आपके पास ये थ्री आयोटा, और यह आएगा आपके पास टू आयोटा डिवाइडेड बाय सिक्स। सो द वैल्यू इज माइनस वन प्लस फाइव आयोटा बाय सिक्स। सो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं हम अलॉन्ग, सेकेंड की बात करेंगे हम अलॉन्ग
y is equal to x square. This is the second point, right? So second point में हम क्या करेंगे? Y is equal to x square है. तो बेटा dy is equal to कितना आएगा यहाँ पे? 2x dx. Now वही same concept यहाँ apply करेंगे, है ना? तो कितनी value आ रही है देखो? 0 0 से 1 1, है ना? ये आएगा x square plus iota y, है ना? ये आपके पास आएगी dx plus iota dy. And देखिए आप x की limit कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 1. Now x square तो as it is है और यहाँ पे y की जगह हम x square रखेंगे and dx plus 2x dx और iota भी है, है ना? Now ये 1 plus iota common आ जाएगा, तो 1 plus iota बाहर निकाल दीजिए आप 0 से 1 और ये x square इसको multiply कर दीजिए, तो ये x square आ जाएगा और यहाँ आएगा 2 iota x cube into dx और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा, इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास x क्यूब बाई 3 और ये आएगा 2x पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 से 1, देन ये आएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा और लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 1 बाई 3 और ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये आएगा 1 बाई 2 आयोटा बाई 2, राइट? देखो आप देख रहे हो ये और ये सेम आ रहा है ना, लगभग सेम ही आ रहा है, 100% सेम आ रहा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यही आएगी. सो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. मैं एक और दो क्वेश्चन और इस कंसेप्ट पे अभी और लूंगा. सो यहाँ पे हम एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट. सो देखिए आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्या है दे रखा है. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूँ. 1, -1 से 2, 1 ऐसा हम लिख सकते हैं इसको. 2x plus iota y plus 1 into, मैं इसको लिख सकता हूँ dx plus iota dy, right? अब सबसे पहला जो first दे रखा है, first वाला बात करते हैं ना, along, क्या दे रखा है आपको? Along x is equal to t plus 1 and y is equal to 2t square plus 1, मैं चलो यहाँ लिख लेता हूँ, y is equal to 2t square minus 1. तो अगर ये x की वैल्यू है तो dx की वैल्यू किसके बराबर होगी? dt. और यहाँ से dy की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4t dt. देखो मैंने आपको बताया था ये लाइन इंटीग्रल है और लाइन इंटीग्रल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है. देखो x और y दो वेरिएबल है, इन दोनों को हम एक में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं ना. जैसे x की जगह t प्लस 1 और y की जगह 2t स्क्वायर माइनस 1 और ये वैल्यू रख देंगे तो ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और हम आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट? सो देखिए आप कैसे करेंगे इसको. हम वैल्यू देखिए आप 1, -1 से 2, 1, है ना, 2xy plus 1 into dx plus iota dy, right, is equal to, limit बाद में चेक करेंगे, पहले अपन वैल्यू रख देते हैं. सो 2 ये आएगा आपके पास t plus 1 plus iota, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी आपके पास 2t square minus 1 plus 1. now dx की जो वैल्यू है वो है dt और ये आएगा 4 iota t dt, राइट? नाउ अब टी की वैल्यू की बात करते हैं, राइट? हमें लिमिट रखनी है ना. अब एक्स पे देखिए बेटा, जहां पर भी एक्स वहां 1 रखिए, क्या रखिए? 1. इस एक्स की जगह क्या रखिए आप? 1 रखिए. तो 1 टी प्लस 1 1 से 1 कैंसिल हुआ तो टी की वैल्यू कितनी हुई? 0. क्लियर? नाउ अब इस एक्स की जगह क्या रखिए? 2 रखिए, है ना? 2 रखेंगे तो ये 2 टी प्लस 1, राइट? टी प्लस 1, ये 1 इधर आया तो टी की वैल्यू कितनी आ रही? 1. आपकी इच्छा है कि नहीं सर यार आप तो x से चेक कर रहे हो, मेरे को y से करना है, y पे रखिए. जहां पर y वहां -1 रखिए, -1 से -1 कैंसिल, t की वैल्यू 0. y की जगह 1 रखिए, है ना, 1 रखेंगे तो ये 1 इधर आया तो 2, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू 1. तो यहां पे किसी भी x से आप x के इसमें रखोगे तो लोअर लिमिट से t की लोअर लिमिट मिल जाएगी, अपर लिमिट से t की अपर लिमिट मिल जाएगी, और y से रखोगे तो भी वो की वही आएगी. नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इधर देखिए आप लोग. देखिए आप क्या करेंगे, हम 0 से 1 t इज इक्वल टू, है ना, सबसे पहले हम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए आप ये आएगा 2t, नाउ 2t प्लस 2 और ये 1, कितना आएगा यहाँ पे? ये 3. नाउ प्लस आयोटा, यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 2t स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना वो आ रही 1 प्लस 4 आयोटा t इंटू dt. अब वापस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. सो t इज इक्वल टू 0 से 1. नाउ ये ब्रैकेट जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब आपके पास आयोटा नहीं आएगा,
और ये ब्रैकेट जब इससे मल्टीप्लाई होता है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, तो तभी हमारा आयोटा नहीं आएगा। तो मैं इसको करूंगा माइनस का 4t 2t² - 1, ये बिना आयोटा वाली टर्म आएगी हमारे पास, प्लस आयोटा इंटू। नाउ जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तब आयोटा की टर्म आएगी और वो आएगी 2t² - 1, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तभी हमारे पास आयोटा की टर्म आएगी और वो आएगी 4t 2t + 3, और टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा ये dt। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, तो ये आएगा t = 0 से 1। नाउ 2t और ये यहाँ पे आ रहा आपके पास माइनस का 80³। नाउ माइनस का 40, प्लस का 40 और 2t दैट इज 60। नाउ दिस इज 3, है ना, प्लस आयोटा इंटू यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80² और t² 10t². नाउ दिस इज 12t। नाउ माइनस 1 इंटू dt, और यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना और सॉल्व करना है। चूंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं सीधा बता रहा हूँ, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 4 + 25 iota/3, आपको इसका आंसर आएगा। आप करेंगे तो वही t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 और t²/3, और लेन लिमिट पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 + 25 iota/3 आएगा ना। अब सेकेंड वाला देखिए आप क्या करेंगे सेकेंड वाले में। सेकेंड वाला बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, क्या रखा है स्ट्रेट लाइन 1 - iota and 2 + iota। अब इससे कि स्ट्रेट लाइन बन रही है उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग निकालना है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही अपन कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 1 and -1, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है 2 and 1 है, राइट। तो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y - y1 / y2 - y1 x - x1 / x2 - x1, राइट। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y - y1 ये होती है, क्या होती है y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। मैंने इसको इधर डिवाइड कर दिया तो ये बन गया, है ना। तो अल्टीमेटली इसी से ही आया है, कोई नया रिसर्च नहीं किया। तो देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सो यहाँ देखिए y1 कितना है -2। नाउ 1 + 1 हो जाएगा, देन x - x1 कितना है 1, और x2 कितना है हमारे पास 2 - 1, राइट। और इसको आप t मान लीजिए बराबर, क्या मान लीजिए let t। नाउ यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आपके पास आएगी t + 1। और यहाँ से आप देखिए इसको छुपाएंगे आप, है ना, तो ये आएगा आपके पास y = मैं इसको छुपाता हूँ, तो ये 2 है, ये 2 उधर गया और इस 2 को उधर ले गया तो 2t + 2 मिल गया। ये y की वैल्यू मिली और ये क्या मिली x की वैल्यू। तो ये पुराना क्वेश्चन ही हो गया, है ना, पहले यहाँ पे ये दे रखा था और ये दे रखा था ना, अब ये दे रखा है तो कोई बड़ी डील नहीं है, यहाँ पे आराम से आप कर सकते हो, है ना। तो देखिए आप क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी होगी t + 1, एंड y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2t + 2। तो हमारे पास जो dx आएगा वो कितना आएगा dt आएगा, और dy हमारे पास कितना आएगा 2dt आएगा, है ना। वही सेम इंटीग्रेशन यहाँ वाला, वही वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, है ना, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखूंगा t की लिमिट में बाद में पुट करूंगा, है ना। x हमारे पास कितना है t + 1 है, प्लस आयोटा ये आएगा आपके पास 2t + 2। नाउ प्लस 1, और आप जानते हैं मतलब अल्टीमेटली ये रहता है हमारे पास, तो dx की वैल्यू कितनी है dt है। नाउ dy की वैल्यू कितनी आएगी 2iota dt। अब t की लिमिट, है ना, मैंने बोला था t की लोअर लिमिट कितनी 1, ये 1 उठा के यहाँ रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0 आएगा, और 2 रख के देखिए 2 रखेंगे तो भी ये 1 आ रहा है तो ये कैंसिल ही हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर y में रखना है तो y में रखिए, माइनस वन रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कहने गई तो मेरे हिसाब से कहाँ मिस्टेक होनी चाहिए y - y1, सो दिस इज प्रॉब्लम हुई है तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। y - y1 मैंने ये लिया है, सो दिस इज -1, प्लस 1 आ जाएगा, एंड देन y2 - y1, सो दिस इज 1 + 1, ओके। सो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -1, 2t - 1 आएगी, है ना। सो 2t - 1, राइट, तो ये वैल्यू रखेंगे तो आप इस तरह से आएगा, राइट। तो 2t - 1 रखना है यहाँ पे, ओके, बाकी तो ये एज इट इज चलेगा। नाउ वही सेम कंसेप्ट, t = 0 से 1, और यहाँ आयोटा देखिए dt कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल दीजिए, और यहाँ पे जो बाहर कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1 + 2iota, दिख रहा है 1 + 2iota कॉमन आ जाएगा। नाउ इधर देखिए आप कितना आएगा, ये 2t
तो आपके पास ये आएगा 2t प्लस 2 और ये 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस आयोटा 2t माइनस 1 और हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन और जैसे आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 इंटू 2 आयोटा या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 8 आयोटा सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सो स्टूडेंट्स ये मेरा जो टॉपिक था जिसमें मैंने समझाया इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन समझाया है ना दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन उसके बाद जो आगे रिसर्च हुआ उसमें उसके बाद कोची थ्योरम आई कोची थ्योरम के बाद कोची इंटीग्रल फार्मूला आया उसके बाद कोची रेसिड्यू थ्योरम आया उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ कोची इंटीग्रल थ्योरम और कोची थ्योरम सो जिसमें हम समझेंगे कि कैसे अगर बाई चांस किसी फंक्शन पे किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उस पर उसकी इंटीग्रल की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज आपके कमेंट्स करते रहिए कुछ स्टूडेंट्स मैं देखता रहता हूँ तो बोले सर गामा बीटा पे वीडियोज डालिए इस पे डालिए उस पे डालिए मैं बिल्कुल डाल रहा हूँ थोड़ा मुझे समय दीजिए क्योंकि मेरे पास जो टाइम मिल रहा है वो इतना नहीं है मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं वीडियोज बना के अपलोड कर रहा हूँ मैं बहुत जल्दी आपके टॉपिक्स पे वीडियोज अपलोड करूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और कमेंट और शेयर जरूर करें और मैं नोटिफिकेशन बेल्स को आप प्रेस कर दें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़